अस्सलाम वालेकुम, आप सब कैसे हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह ताला आपको खुश रखे, अपने हिफ्ज़ो अमान में रखे। आज हम बना रहे हैं इमली आलू बहारे की चटनी। ये आलू बहारा है, इसको मैंने पानी में भिगोया हुआ था। अब सबसे पहले हम आलू बहारा ये इतने से पानी में डाला है तो इसको रख देंगे चूल्हे पर। अब ये जो इमली है इसको हम पानी में भिगो देते हैं। ये चीनी भी इसमें डलेगी क्योंकि इमली को हमने पानी में भिगो दिया। और ये मग्स हैं, इसको हम साफ़ करके इसको धो लेते हैं ताकि जिसमें थोड़ी बहुत गर्द होती है, मिट्टी वगैरह होती है ना, वो साफ़ हो जाए। आलू बहारे को हमने चूल्हे पे रखा हुआ है। ये देखिए इसको उबाल आ रहा है आलू बहारे को। अब इसमें हम डाल देंगे चीनी। ये एक किलो चीनी है, ये डाल दें। ये एक किलो चीनी पूरी इसमें डाल जाएगी। इसमें ना चीनी ज़्यादा डलती है और ये बहुत मज़े की बनती है। ये देखिए ये मैंने चीनी डाल दी है। इसको ना अब हम पकने देते हैं। अब इसमें हम डाल देंगे ये इमली वाला पानी। ये देखेंगे हमने इमली का पानी अच्छी तरह निचोड़ के इसके अंदर डाल दिया है। अब इसको हम पकने देते हैं। अब ये चटनी देखिए हमारी बस बन रही है। अब इसमें हम थोड़ी सी सुरख मिर्च और थोड़ा सा नमक डालेंगे। बस ये है सुरख मिर्च, सुरख मिर्च पाउडर डालना है, ये नमक। बस अब थोड़ी देर और रखेंगे फिर हमारी चटनी बन गई है। ये हमारी चटनी बन चुकी है। ये देखिए गाढ़ी हो रही है, जब इसको हम नीचे रखेंगे ठंडी हो जाएगी और ज़्यादा गाढ़ी हो जाएगी। अब इसको उतार लेते हैं। ये हमने उतार ली और अब इसमें ये जो मग्स थे हमने खुश किए हुए हैं, धोए थे, अब ये डाल देंगे। वाह कितनी प्यारी लुक आ रही है। इसमें तो आप खुश्क मेवा जाए जितने मर्ज़ी डाल सकते हैं, बादाम डालें, पिस्ता डालें, मेवा डालें, जो मर्ज़ी डाल लें, लेकिन मैंने तो सिर्फ यही डाले। आप भी एक दफ़ा ज़रूर ट्राई कीजिएगा और बताइएगा कि कैसी बनी है। अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसको लाइक कर दीजिए, चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। अल्लाह हाफिज़। दुआ में याद रखिएगा।